हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम, राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा। मेरा नाम है राम एंड सेंट मनी भाई। और जिन लोगों को नहीं पता, अभी तो बहुत सारे भाई हैं, उनको पता चल गया है कि हम इंडिया से हैं। और आज हम जो रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं, इसके लिए बहुत कमेंट है। हमने आज से जितनी भी वीडियो बनाई है, बस आप लोगों के, जो आप लोगों ने हमको प्यार दिखाया है हमारे कमेंट्स में कि भाई आप इस पे रिएक्शन बनाओ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत अच्छा है, आपको भी सीखने को मिलेगा, देन और लोगों को भी सीखने को मिलेगा जो आपके व्यूअर्स हैं आपके चैनल के। तो आज हमने सोचा क्यों ना आज इस पे रिएक्शन बनाया जाए। इसके लिए बहुत भाई ने कॉमेंट करके रखा है। वीडियो का नाम है सईदना हमजा की शहादत। तो आज इस पे रिएक्शन बनाएंगे। मोहम्मद अली मिर्जा साहब का वीडियो है, इनके पूरा हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। तो आप इनके और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। एक बार देखना चालू करेंगे भाई, बंद ही ना करेंगे, बंद नहीं करेंगे, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं यार। हम तो काफी मोटिवेट हुए इनसे। वो बात अलग है, हम हिंदू हैं, आप लोगों को बताइए, और ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो मोहम्मद अली मिर्जा भाई हैं, पाकिस्तान से भी हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं इस्लाम धर्म को लेके, और अच्छी अच्छी बातें रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि धर्म के ऊपर ही बनाते हैं, बहुत साइंटिफिक चीजों के लिए भी बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो रहती है। तो आज सैयद हमजा की शहादत का वीडियो देख लेते हैं, क्या सब है इसके अंदर। होपफुली गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो इस वीडियो पे अपना प्यार दें गाइस, लाइक करें वीडियो, लाइक करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आज का रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले गाइस। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने यूं तलवार लहराई है तो उसका अगला हिस्सा टूट गया है। क्यों? तो मैंने इसकी ताबीर की है कि ओहद में हमें तकलीफ पहुंचेगी, और फिर मैंने दोबारा तलवार लहराई तो वो अपनी असली हालत में वापस आ गई। तो इसकी ताबीर मैंने की है कि उस तकलीफ के बाद फिर अल्लाह ताला हमें राहत दे देगा। जाहिर है कि फिर अल्टीमेटली शिकस्त जो है वो फतह शिकस्त में बदली, और फिर शिकस्त से दोबारा से सर्वाइवल तो कम अज कम होगी। अगरचे कई अंसारी असहाब जो हैं वो शहीद हुए, मदीने का कोई घर नहीं बचा था जिसमें मैयत ना हो। एक गम का आलम तो था, मुहाजरीन में से भी हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनका गम ही रसूलुल्लाह के लिए बहुत बड़ा था। वो आपके भाइयों की जगह भी थे और चचा भी थे, दूध भी थे, रजात का रिश्ता भी था उनसे, भाई वाला भी, आर्मी चीफ भी थे बदर में भी, ओहद के अंदर भी, तो हुजूर के लिए वो भी गम बहुत था। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का गम इतना बड़ा गम था कि सही बुखारी में एक पूरा चैप्टर है ग़ज़वे ओहद के चैप्टर के अंदर ना, उसका उनवान ही है हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की शहादत। हमको तो पढ़ना नहीं आता भाई। और उसमें वो लंबी हदीस है वाशी के बारे में। दो ताबईन जो है वो वाशी को मिलने के लिए जाते हैं, वो शाम में शिफ्ट हो चुके होते हैं, और उनसे जाके हजरत हमजा का कत्ल के बारे में पूछते हैं। तो वाशी बताते हैं कि जी मेरी यानी ड्यूटी लगाई गई थी जुबैर बिन मुतइम की तरफ से। खैर वो जुबैर बिन मुतइम बाद में वो भी मुसलमान हो गए, वो भी साहबी हैं। और हिंद जो बीवी थी अबू सुफियान की, उसने अपने बाप का भाइयों का बदला लेना था, तो वो कहते हैं मैं एक पत्थर के पीछे छुप गया और मैं इंतज़ार में रहा कि मैं मौका मिलते ही सामने आके, वो नहीं लड़ा, उसने छुप के जो है ना वो नेज़े का वार किया, और वो कहते हैं नाफ वाली जगह पे मैंने नेज़ा मारा और वो आर पार हो गया, उसकी वजह से हजरत हमजा की डेथ हो गई। और फिर कहते हैं मैं जब मुसलमानों को अल्लाह ने गलबा दिया तो मैं मक्का भी छोड़ के, यानी फतेह मक्का के बाद ताइफ चला गया, ताइफ में मैंने सुकूनत इख्तियार कर ली, तो बिलाखिर ताइफ में भी इस्लाम पहुंच गया, वहाँ के कबाइल ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, चारों ना चार मेरे पास कोई हल नहीं था। तो मुझे मेरे साथियों ने कहा कि रसूलुल्लाह माफ़ करने वाले हैं, तुम हुज़ूर के सामने पेश हो, अल्लाह ताला तुम्हारी गलती माफ़ कर देगा। तो मैं भी उन लोगों के साथ चला गया। अब वो नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए, सही बुखारी के अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा वाशी, या रसूलल्लाह वाशी हूँ, कातिल हमजा का या रसूलल्लाह, आप इमेजिन करें। आप फरमाया कि वाशी तेरा जो ये उजर है, मैं इस एतबार से इस्लाम कबूल करता हूँ, लेकिन क्या तुम ये कर सकते हो कि मुझे अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखानी? अच्छा, ये हुजूर का ही हौसला था, अदरवाइज तो उसका घाटा उतरना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अब जबकि गलबा इस्लाम का हो गया उसके बाद इस्लाम कबूल करना, लेकिन हुजूर की शफकत थी। लोग अगले जुमले को तो देखते हैं कि हुजूर ने क्या मुझे शक्ल नहीं दिखानी, और वो यानी समझते हैं कि शायद हुजूर ने
सख्ती की है या एक फनेटिक अप्रोच है, ऐसा नहीं है। आप देखें किसी की जान बख्शी हो गई है, ये छोटी बात है। तो इसमें मैं अक्सर जुमला बोला करता हूं कि चचा से ज्यादा इंसान को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। कातलीन हुसैन जो हैं, कातलीन हसन हैं, उनके साथ क्यामत के दिन रसूलुल्लाह का क्या एटीट्यूड होगा एज कंपेयर टू कातलीन हमजा इबन अब्दुल मुत्तलिब। कोई शख्स दुनिया में कह सकता है कि जी मुझे अपने चचा से अपनी औलाद से भी बढ़ के मोहब्बत है, तो उसका तो ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हो तो लादा बात है या झूठ बोल रहा होगा। तो ये करबला जो है ये कोई छोटी चीज नहीं मेरे भाइयों। और इससे ये भी पता चला कि गम कभी भी हल्का नहीं होता। फतह मक्का के भी बाद की ये बात है, यानी हजरत हमजा की शहादत को कम से कम 5 साल तो गुजर चुके थे। 3 हिजरी में गजवा उहद हुई है और 8 हिजरी में फतेह मक्का, उसके भी बाद का वाक्य है ये। 8 का भी हो सकता है, 9 का भी, चलो कम से कम भी 5 साल। किसी ने हुजूर को मशवरा नहीं दिया कि सोग तो 3 दिन तक होता है, लेकिन ये सोगे हमजा नहीं था, ये गमे हमजा था। हम इख्तलाफ करते हैं सोगे हुसैन से, गमे हुसैन तो क्यामत तक जारी रहेगा, जिसमें ये पीटने वाला मातम वाला मामला ना हो बल्कि हुसैन अलैहिस्सलाम की उस दावत को याद किया जाए। खैर, हजरत वाशी कहते हैं, जाहिर हम तो उनका एहतराम से नाम लेंगे, सहाबी तो हैं, वो कहते हैं कि मुझे पूरी जिंदगी इस बात का गम था और मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मुझसे ना कोई बड़ा काम करवाना है। तो बुखारी के अल्फाज हैं, वो कहते हैं जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबूवत किया तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मैंने इस्लाम के सबसे बेहतरीन शख्स को कत्ल किया था, यानी हमजा को, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा तो इज्तिहाद है। अगर हुजूर की वफात के वक्त हजरत हमजा जिंदा होते ना तो पहला खलीफा हजरत हमजा ने बनना था, क्योंकि खुलफाए राशिदीन जब मौजूद थे, जब तक खलीफा राशिद नहीं वो बने थे अबू बकर उमर उस्मान अली, उनकी मौजूदगी में भी हुजूर ने अपना आर्मी चीफ हजरत हमजा को बनाया हुआ था। बदर में हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली में से तो कोई नहीं था हुजूर की तरफ से आर्मी चीफ, या हुजूर ज़ाहिर है हुजूर अलैहिस्सलाम को तो मैदान जंग में वो नहीं आने देते थे, खैमा पीछे लगाते थे। उहद में तो चूंकि काफिर आपके खैमे तक पहुंच गए ना, इसलिए फिर आपको फ्रंट से लीड करना पड़ा, अदरवाइज बदर उहद में आप खुद आगे जाके नहीं लड़े। और हुनैन के मौका पर भी 12,000 का लश्कर था और सिर्फ 80 बंदे रह गए थे, सही बुखारी में आता है, 12,000 में से, और हुजूर अकेले आगे जा रहे हैं। और फिर आपकी दिलेरी की वजह से आपने, बुखारी के अल्फाज हैं, आपने जमीन से यूं मुट्ठी भरी मट्टी की और यूं काफरों की तरफ भेजी, और कुरान में उसका जिक्र है, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ऐ नबी जब तुमने वो कंकरियां फेंकी थी, वो तुमने तो नहीं फेंकी थी, वो तो अल्लाह ने फेंकी थी, बस वो मुबारक हाथों की बरकत थी जब आपने यूं मट्टी फेंकी तो सामने जो कबीला हवाजन के लोग जिनके तीरों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, हर एक की आंख तक वो कंकर पहुंचा और वो अंधे हो गए, और हुजूर फ्रंट से लीड करते हुए अन नबी युला कदिम, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं, ये आप अलैहिस्सलाम ये अशार पढ़ते हुए आगे गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी अहमियत थी। तो अब वाशी कहता है जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबूवत किया तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी। देखें अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनने वाला है, और मैंने कहा या अल्लाह मुझे मौका दे, मैं इस्लाम के बेहतरीन शख्स को मैंने कत्ल किया है तो मैं इस्लाम के बदतरीन दुश्मन को भी मैं ही कत्ल करूं। देखिए इस्लाम का बदतरीन दुश्मन वही हो सकता है ना जिसने दावा नबूवत किया हो और मुसलमानों की जमीयत तोड़ दी हो उस वक्त में जब हुजूर की डेथ हो चुकी है, लीडर जा चुका है और पीछे मैनेजमेंट को कमजोर करने वाली बात है हजारों लोगों का मुर्तद हो जाना। तो कहते हैं कि मैं जब जंगे जमामा के लिए निदा की गई तो मैं भी उस लश्कर में शामिल हुआ और मैंने अपने वही नेजा जिससे हजरत हमजा को मारा था, सर उमर सीरीज में उन्होंने ये सीन फिल्माए हैं, वो निकाला और अल्लाह से मांगा, और कहते हैं मैंने देखा कि वो घुंघरियाले बालों वाला जो है वो ऊंट की रंगत का उसका जिस्म वो दीवार के साथ टेक लगाए हुए खड़ा है। तो मैंने पूछा कि वो मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन सा है, तो उन्होंने बताया ये है, उन्होंने दूर से उसको मारा, उनका निशाना तो बड़ा ज़बरदस्त था, तो वो मारा गया और गिर पड़ा ज़मीन के ऊपर। उस नेजे के वार से फिर एक अंसारी साहबी ने आगे बढ़ के उसकी गर्दन काट दी,
तो फिर वो कहते थे कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस नेकी की बरकत से मेरी वो गलती माफ कर देगा। ठीक है, वैसे तो इस्लाम लाना ही गलती माफ कर देता है। सही मुस्लिम में हदीस है कि ईमान लाना पिछले के गुनाहों को माफ कर देता है, लेकिन सर कुछ गुनाह बहुत बड़े लेवल के होते हैं, उसके लिए बहुत बड़े लेवल की नेकी चाहिए होती है उसकी कंपनसेशन के लिए। चूंकि हुजूर भी तो इस एतबार से तो हजरत वाशी हुजूर के सामने नहीं आते थे ना। और ये कितनी बड़ी उनके लिए तकलीफ दे चीज थी कि जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो कह रहे हैं मुझे शक्ल नहीं दिखानी। आप इस तकलीफ को सोच सकते हैं। हाँ, अब मैं ये समझता हूँ, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि क्यामत वाले दिन हजरत वाशी हुजूर के सामने इस एतबार से पेश हो सकते हैं कि मुझसे ये गलती हुई तो यार सुल्ला देखें आपके सबसे बड़े दुश्मन को भी मैंने ही कत्ल किया। तो ये बहुत बड़ी सआदत उनको मिली। रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिम अस्सलाम। सलात बर मुहम्मद व आली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व असहाबिही अजमईन इला यौमिद्दीन। ये स्टोरी थी इसके पीछे की, सही फिलिप फ्रॉम उमर सीरीज, क्योंकि उमर सीरीज है, उमर सीरीज उमर जो भी है ना, उससे लिए गए हैं बहुत सारे वीडियो। उन्होंने बोला अभी तक हमको भी अगर कभी टाइम मिलेगा तो हम भी ये सीरीज देखेंगे गाइस, क्योंकि वेब सीरीज है तो आई थिंक बहुत लंबी होगी। तो इसी में आप लोगों ने देखा गाइस वीडियो का जो क्लिप था, मतलब वीडियो जो दिखाई गई थी, तो वही सही था ना, हम जाकी शहादत उन्होंने बताया था, जो अल्लाह के जो अलग से जो नहीं मानते थे दुश्मन टाइप बोल सकते हैं उनको उन्होंने मारा था, फिर उनके बाद उनको भी शहादत मिल गई थी। तो ये सब था वीडियो के अंदर, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो थी, जिन लोगों को बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहती ये सब चीज़ें के क्या क्या हुआ है हमारे जो पिछले, देखो सब धर्मों की अपनी अलग अलग हिस्ट्रियाँ रही हैं, सब ने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, तभी आप लोग अपने घरों में ठीक से रह पाते हो, ये सब रहता है भाई। और रिएक्शन बाबा चैनल हमेशा सब धर्मों की रेस्पेक्ट करता है, ये नहीं कि हम किसी पर वीडियो बना रहे हैं तो हम उनकी इज्जत करते हैं और सब धर्म की वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं गाइस। हम आप लोगों के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, सजेस्ट करते हैं, हम वो बनाते हैं, हम वही वीडियो बनाते हैं, हमारे लिए सबके लिए प्यारे यार। आप लोग हमारे भाई हो, आप लोग हमको कमेंट करते हो कि भाई इस पे रिएक्शन है, बहुत अच्छा लगता है यार आप लोगों का प्यार, जब आप लोग लिखते हो वीडियो के नीचे के लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम इटली, लव फ्रॉम दुबई, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम अलग अलग कंट्रीज से, इतनी सारी कंट्रीज है, कंट्रीज के नाम नहीं ले पाएंगे हम तो, इतनी सारी कंट्रीज से आप लोगों का प्यार मिलता है ना, सीरियसली दिल खुश हो जाता है यार, मतलब कि हमारा वीडियो इतनी इतनी दूर तक भाइयों के बीच में रहता है यार, प्यार मिलता है आपको अलग अलग, हम लोगों को आपका इतनी अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देश से, और इंडिया के अंदर बहुत सारी सिटीज से, पाकिस्तान के अंदर अलग अलग सिटीज से, मजे आते हैं यार। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें हमारे लिए, और वीडियो पसंद आती है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, उससे मोटिव मिलता है, मोटिव मिलता है यार हमको, हमको मजे आते हैं फिर आप लोगों के, भाई इतने सारे लाइक आए वीडियो होता है, ऐसे हम आपके लिए फिर वीडियो बनाते रहते हैं, और पता नहीं बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं, एक दो भाई हैं जो डिसलाइक मार ही देते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मारते हैं उनको, हम ऐसा कुछ करते भी नहीं वीडियो के अंदर, लेकिन वो फिर भी डिसलाइक मारते हैं, कोई बात नहीं मानने, तो जिसको जो हम किसी की हम मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते आप लोगों को बताइए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, और आपके प्यार के लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट और किसी अच्छे रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू गाइस।